बिल्कुल होनी चाहिए। सिऊ सिऊ की नगरी काशी धरोहर है और जो हमारे पहले आतताई के रूप में जो एक दूसरे समुदाय के लोग आए वो हमारे आध्यात्मिक नगरी में बहुत तांडव किए, बहुत दुर्दशा किए समझिए। काशी का जो मुख्य गुंबज था उसको हटा करके और ऊपर रंताचार्य जी आप मान रहे हैं, मैं आऊंगा लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और पूछेंगे समाजवादी पार्टी से कि भैया अगर आप सत्ता में होते तो इसका मतलब राम मंदिर भी नहीं बनता, इसका मतलब फिर तो ज्ञानवापी का मुद्दा ही नहीं उठता जब वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, ये मुद्दे पर बात कह रहे हैं कि ये मामले हैं ही नहीं, तो फिर हिंदुओं की कौन सुनता, क्या सुनती समाजवादी पार्टी पर सवाल, सियासी बवाल मचा हुआ है। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मोहम्मद शफीन कुरैशी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मोहम्मद शफीन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद शफीन साहब, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है ज्ञानवापी को लेकर, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर। पहले सबसे पहले तो देखिए, जो चीजें कोर्ट की हैं उसको मीडिया ट्रायल बना के आप लोग उसको और माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि राम मंदिर पे फैसला आने से पहले बहुत सी बातें होती थी, बहुत सी बातें होती थी, लेकिन कहीं साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये कहीं साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि कभी कोई मंदिर वहां था ही नहीं, मस्जिद थी और मस्जिद को तोड़ के अब राम मंदिर तामीर हो रहा है। कोर्ट का आदेश साफ साफ ये है कि कहीं मंदिर नहीं तोड़ी गई। शफीन साहब, ये कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां कभी मंदिर नहीं तोड़ा गया। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़िए सर, मुझे तो हास्यास्पद लग रहा है ये सर। बिल्कुल पढ़िए आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, हमें तो कभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं सर। मस्जिद नहीं बनाई गई, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन आस्था की बुनियाद पे ये दो गुटों में ये एक कॉम्प्रोमाइज वाली पोजीशन लाके खड़ी कर दी। कोर्ट ने फैसला किया कि इनको ये जमीन दे दी जाए, इनको ये जमीन दे दी जाए, इस तरह से ये अब राम मंदिर अब बन गया। ठीक है, हम भी कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट की बात को पूरा माना हमने, और आगे भी कोर्ट से कोई भी चीज आएगी हमारे लिए, देखिए न्याय प्रक्रिया चालू है, ठीक है, हम जहां तक जा सकेंगे वहां जाएंगे। जो हमारे लिए मस्जिद है वो मस्जिद है, आप उसको कुछ कहते रहिए अपने हिसाब से। कोर्ट का सर्वे आया, ठीक है, लेकिन सर सर्वे जो आया है, सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां हिंदू देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां, कुछ साक्ष्य, कुछ चिन्ह निशान मिले हैं। जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा था तब भी कहा जा रहा था कि सब कुछ क्लियर हो गया है कि बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, राम मंदिर था और राम जन्मभूमि थी, लेकिन कोर्ट ने मान लिया कि वहां कोई मंदिर को नहीं तोड़ा गया, किसी मंदिर को वहां भी सर्वे हुआ था, वहां भी सर्वे में ये बात रखी गई थी कि वहां मंदिर की बात, सर्वे रिपोर्ट में नहीं कहा कि यहाँ मंदिर था। सर्वे रिपोर्ट जो हुई थी सर राम मंदिर की, उसमें यह कहा गया कि कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो हिंदू देवी देवताओं के कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ निशान ऐसे मिले हैं, वहां भी यही बात आई थी सर। कोर्ट साफ लफ्जों में कहता है कि यहाँ कभी कोई मंदिर को तोड़ा ही नहीं गया, ठीक है, तो हम तो मस्जिद को मस्जिद ही मानेंगे, आप कुछ कहते रहिए। कोर्ट अगर कुछ कहीं भी कोर्ट का कोई फैसला आएगा उसको माना जाएगा। मुस्लिम तो अब सर सर्वे रिपोर्ट को मानेंगे या नहीं मानेंगे आप? नहीं, सर्वे रिपोर्टें तो बहुत पहले राम मंदिर की भी आई थी, बाबरी मस्जिद की भी आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि जो है वहां पर कभी बाबरी मस्जिद थी नहीं, हमेशा सर्वे रिपोर्ट के बाद ये मामला गड़बड़ आया था सर राम मंदिर का, तभी ये सर्वे रिपोर्ट आई थी, तभी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था पुरानी सर्वे रिपोर्टों को आधार बनाकर। ठीक है, अनंताचार्य अशोक जी आपने सुना, वो आप कुछ भी कहते रहिए, सर्वे रिपोर्ट तो आती रही है और आती रहेंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला होगा मानेंगे हम। जो उस पे रिपोर्ट, तो सबसे बड़ी चीज कोर्ट ही तो है, अगर कोर्ट फैसला देगा तो उसको सर्वोपरि है, मानना ही चाहिए, मानना पड़ेगा। जैसे राम मंदिर का फैसला आया उसको सब लोगों ने स्वीकार किया, उसी तरह जो महादेव की नगरी हमारे काशी का फैसला आएगा, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, जैसे वृंदावन में मथुरा में, उसको मानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है और स्वीकार करना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने में अपना उत्थान है, मतलब का विवाद करने में कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सत्य को स्वीकार करेंगे तो जीवन में खुश रहेंगे, सभी लोग आनंद रहेंगे, उत्थान होगा
और अगर सत्य को नहीं मानेंगे तो विवाद होगा, फिर तरह तरह के उपद्रव होंगे, सारा देश परेशान होगा। चलिए, ये एक सबसे बड़ी बात है। सुभाष नंदन जी, आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी मोहम्मद साहब ने कहा, जो मुस्लिम स्कॉलर है, उन्होंने जिक्र किया कि देखिए सर्वे तो पहले भी आते रहे, सर्वे का नहीं है, कोर्ट जो मानेगा। तो सर, सर्वे ही तो आधार बनेगा ना कोर्ट में, अगर हिंदू पक्ष फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ये सर्वे रिपोर्ट कितने मायने रखती है कोर्ट के लिए, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई है। कुरैशी साहब को किसी कानून की जानकारी नहीं है, राम मंदिर की जानकारी नहीं, ज्ञानवापी मंदिर की भी जानकारी नहीं है। मैं बता दूं, ये सर्वे जो हो रहा है वैज्ञानिक और तरीके से प्रमाणित संस्था कर रही है, वो कोई हवा में जो है सर्वे नहीं करती है, वो तमाम उनके तकनीक है, जिस तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे करते हैं, और सर्वे को न्यायालय भी मानता है। जो सर्वे किया गया, जो साक्ष्य मिले हैं, एसआई उसको प्रमाणित भी करेगी, और सारे पक्षकार, चाहे हिंदू पक्ष रहा हो, मंदिर पक्ष रहा हो, चाहे अंजुमन इंतजामिया के मुस्लिम पक्ष रहे हो, सारे पक्षकारों के सामने ये सारे साक्ष्य निकले हैं। ऐसा नहीं कि गोपनीय तरीके से एसआई ने सर्वे कर लिया और सर्वे करके जो उसने सारी रिपोर्ट बना दी। ये सारे रिपोर्ट एक्सपर्ट के सामने और सभी पक्षकारों के सामने, अभी जैसे कुरैशी साहब ने आरोप लगा रहे थे कि ये जो है इस पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सारे पक्षकार भी वहाँ मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में सारे साक्ष्य मिले हैं, आप उसको कैसे नकार देंगे। और एसआई इन सारे साक्ष्यों को प्रमाणित करेगी। जब एसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मस्जिद से पूर्व 1669 मिर्जा औरंगजेब ने उस परिसर को तोड़ा, मस्जिद का जो है 1673-74 में मस्जिद को बनाया, उसके पूर्व कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मंदिर का रहा है और मंदिर का ही था जिसको तोड़ के मस्जिद देने का प्रयास किया गया है। तो ये जो वैज्ञानिक संस्था द्वारा वैज्ञानिक तरीके से सारे साक्ष्य निकले हैं, इन साक्ष्यों पे देखिए, आपको सुभाष जी की बात आपने सुनी, और सब पक्षकार हैं वहां, तो हिंदू पक्षकार भी है, मुस्लिम पक्षकार भी रहा उस सर्वे में, माइलस्टोन बनेगी हमारे लिए। समाज के लोगों ने कहा कि जितने भी हिंदू मंदिर है, बहुत से हिंदू मंदिर, उन दशा और दिशा जो मंदिर की है, दशा और दिशा तय कर देगी। ठीक है सुभाष जी सुन लेते, कुरैशी जी अपना पक्ष रख रहे करेंगे। कोर्ट में चल रहा है ट्रायल, आप अपने पर ट्रायल ना चलाइए, कोर्ट में जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। हिंदुस्तान की समस्याएं, जो बेरोजगारी, भुखमरी और महिलाओं पे अत्याचार, ये सब हो रहा है, उसको भी तो दिखाइए, थोड़ा सा दिखाने नहीं चाहता मैं तो। सर आप भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने दे दिए इनको, आप भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी तो आस्था का ही सवाल है ना कुरैशी जी, ऐसा तो नहीं कि आप अपना हक छोड़ रहे हो तो चलिए बात ना हो, आप बड़ा दिल तो नहीं दिखा रहे ना, आप भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल लड़ेंगे, हमें संविधान ने ये हक दिया है। हाँ। हमारे यहाँ न्याय की प्रक्रिया, उसको पूरा किया जाएगा, जहां तक कर सकते हैं करेंगे, ठीक है, लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए भाई साहब। चलिए विवेक पांडे जी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, सर ब्रेक से पहले हम चर्चा ही कर रहे थे, आप लोग कह रहे हैं कि इस पर बात ना हो, सर करोड़ों लोगों की आस्था है, राम मंदिर में भी करोड़ों लोगों की आस्था है, और आपने देख भी लिया होगा अभी अयोध्या में राम मंदिर का जब भव्य निर्माण हुआ और उद्घाटन हुआ, तो सर आप कहते हैं इन मुद्दों पर बात ही नहीं हो, यानी जो हिंदू लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, तो समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद ना करे कि आपकी सरकार में इन बातों पर आप कोई बात नहीं करेंगे, इसका मतलब मान लिया जाए? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग तो पल्ला झाड़ रहे हैं ना, मेरी बात सुन लीजिए, आस्था अगर करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी डिबेट आप ही करेंगे क्या, मुझे बोलने तो दीजिए, मेरा पक्ष आने दीजिए ना। एक तरफ आस्था की बात हो रही थी, दूसरी तरफ हरदोई में 1.62 करोड़ रुपए का भूसा अफसर खा गए, 40 गौशाला में भूसा खरीद के नाम पे 41 भुगतानों में अनियमितताएं मिली। तो इनके धर्म के पीछे के जो आड़ में जो खेल चल रहा है भाजपा के अधिकारियों को और भाजपा के प्रशासन की मिली भगत का, वो ये चल रहा है कि हर संस्था में भ्रष्टाचार चल रहा है और लोगों का ध्यान केवल धर्म पे है। तो हमने सिर्फ इतना कहा कि आप मुद्दों पे बात करिए बतौर राजनीतिक दल, और जो लोग पक्षकार हैं, जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय के हो चाहे मुस्लिम समुदाय के, वो अपनी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन आप जो दुनिया को देश को भटका करके केवल ये कर रहे हैं, आपके अफसर ये कर रहे हैं उसकी आड़ में, मतलब गोवंशों तक को नहीं छोड़ा, जैसे ये कहते थे कि चारा घोटाला, तो आज तो चारा घोटाला भी ये खुद ही संलिप्त है, मैं कहूं उत्तर प्रदेश में चारा घोटाला हो गया, ये संलिप्त है। दूसरी बात पे आऊंगा, बहुत अच्छी बात की थी आपने समाजवादी पार्टी के स्टैंड की, तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या सुन लीजिए, भारत जम्बू द्वीप हुआ करता था,
भारत के अंदर की सीमा में, एक राज्य की सीमा में दो वर्ग के लोग पक्षकार बनकर लड़ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को चीन के साथ अफगानिस्तान तक का युद्ध लड़ना चाहिए भारत को अखंड राष्ट्र बनाने के लिए, जम्मू द्वीप को हासिल करने के लिए। तो आप उस दिशा में कार्य करिए ना, आप तो देश की आजादी में कहीं नहीं दिखाई दिए ना सुनाई दिए। आज आगे धर्म का सर्टिफिकेट बांटने पहला नेता देख रहा हूं बीजेपी का जो ब्राह्मणों को मुगलों और बाबरों का वंशज समझता है। तो भाई मुझे ऐसे फर्जी लोगों की सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी क्या कि इनको मैं बताऊं कि भाई पढ़े लिखे होते असल में गलती इनके भी लिए है। जैसा नेतृत्व है वैसी मानसिकता है, न देश की आजादी में योगदान था न देश के विकास में कोई योगदान है। आपका जवाब। देखिए जेपी जी, अगर आप मुगलों जैसी हरकतें करेंगे, देशद्रोही हरकतें करेंगे, जिस प्रकार से आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेंगे, तो आपको देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी विरोधी आपको कहा जाएगा। जिस प्रकार से आपने सनातन को भगाने की बात किया, भगवान राम के अस्तित्व को, भगवान राम के पवित्र ग्रंथ को जलाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, जाहिर सी बात है ये सनातन विरोधी, ये ब्राह्मण विरोधी, हिंदू विरोधी लोग, इनको मात्र और मात्र एक हमारे पूर्वांचल की कहावत है जेपी जी कि जिसके बाप दादा सरसों भी वो करते थे उनका बेटा भी सरसों, तो अखिलेश यादव मात्र सरसों पे चल रहे हैं, उनके मुलायम सिंह यादव ने जो खींची है उसी पे चलते हुए अखिलेश यादव लगातार सनातनियों को, लगातार जो है भगवान को। आप बताइए ना, आज मैं पूछना चाहता हूं विवेक जी से, अगर इनको इतना बड़ी चिंता है भूख जो है बेरोजगारी की, अपने समय में अखिलेश यादव मात्र 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां देके मुस्लिम मकतब, मुस्लिम मदरसों को शिक्षा से बेदखल करने का काम अखिलेश तो लगातार करते आए हैं, ये क्या बात करेंगे जो है। इनको खाली बस अपने वोट की राजनीति करनी है, देश को पूरी तरह से दंगा, उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाने का काम अखिलेश यादव लगातार करते थे। दंगा का रेशियो देख के इनको शर्म नहीं लगता इस बात को कहते हुए कि दंगाई प्रदेश करते हुए अखिलेश यादव को आज लोग इस उम्मीद में जी रहे। आज लोगों के अंदर, आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार मजबूत सरकार है। हमने ठीक है विवेक जी, जवाब दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट दंगे होते थे ना, हिंदू मुसलमान तो आपके राज में ज्यादा होता था, मानना पड़ेगा ये इनकी मजबूरी है। बता दीजिए कहां दंगे हो गए। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ठीक है, मनोज जी, मनोज जी आपकी बात का पांडे जी जवाब दे रहे जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या किस कार्यकाल में हुई, किसके सरकार में हुई? वो योगी जी हैं। योगी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या का अध्याय लिखा गया, और धन्यवाद कि वो ब्राह्मणों के ठेकेदार बन के बैठे हैं, भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। सर विवेक जी, आप जैसा जैसी स्थिति ऐसे मत करिए ना, कभी आप कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिमों को ज्यादा मारा जा रहा है, कभी कुछ कहते हैं आप। हम भूले नहीं है किराना क्यों भरना, हम भूले नहीं है मुजफ्फरनगर क्यों भरना, हमको साक्ष दिखाएं, हम तो साक्ष के साथ बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी दफ्तर का जो व्हाट्सएप पढ़ के आए ना, उसको वहीं तक सीमित रखें, हमको साक्ष पे बात करें, मैं साक्ष पे बात करने बैठा हूं, हमको बताएं कितने बताइए जरा, आज क्यों नहीं इनकी चीन के सामने हिंदुओं को किस तरह से सनातनियों के बांधों के साथ दुष्कर्म किया गया, सर में लगता है इस बात को कहते हुए आप किराना की घटना को ध्यान दें, आप कहां बात करेंगे? पलायन करने को मजबूर गोरखपुर से आप समाजवादियों की वही हाल है, खिसिया चुके हैं, लेकिन क्या करें, वोट की राजनीति इतने गिर गए कुर्सी के लिए, भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा देने वाले लोग, उनसे आप धर्म की बात करेंगे? आप लोग केवल और केवल जातियों का नाम लेकर के अराजकता करते हैं, क्योंकि दंगे इसलिए नहीं होते क्योंकि सारे दंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मोहम्मद कुरैशी, मोहम्मद कुरैशी, मोहम्मद कुरैशी, देखिए आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप जानते हैं सर, ठीक है ठीक है, अरे हो गई बात सर, रुकिए ना अभी, मनोज जी रुकिए, मनोज जी रुकिए, कुरैशी साहब एक बड़ा सवाल है, आपने भी कह दिया और हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हैं अनंताचार्य जी, वो भी कह रहे हैं कि देखिए ये कोर्ट का मामला, कोर्ट में चलने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सर्वे रिपोर्ट है, कोर्ट ने कमेटी गठित की, तो सर सवाल तो राजनीतिक पार्टियां उठा रही है, तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं यही माहौल को, स्थितियों को बदलती हैं, यही मुद्दों पर हवा देती हैं, तो आप भी तैयार है कि जो कोर्ट फैसला देगा ठीक है मान्य होगा, हिंदू पक्ष भी तैयार है? देखिए राजनीतिक पार्टियां जो करती हैं वो करती हैं,
उससे बड़ा काम आप करते हैं और ये मुद्दे आप टीवी पे लाके इस तरह से उसको नमक मिर्चा लगा के जिस तरह से आप अब सर हमने थोड़े कहा था हिंदू पक्ष से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए क्या आया सर्वे रिपोर्ट में, हमने थोड़े कहा ओवैसी साहब आप अपना बयान दे दीजिए, हमने थोड़े कहा अखिलेश यादव जी से कि आप अपना बयान दीजिए, हम तो सवाल है सर, पत्रकार तो सवाल पूछता है, जवाब मिल गया नो कमेंट्स भी आ जाते हैं, सर नो कमेंट मुझे कोई बात नहीं करनी तो हम चले जाते हैं सर, आप बताइए ना कुरैशी साहब काम करे देश की समस्याओं को सामने रखे, मंदिर मस्जिद कोर्ट में चल रहा है ये हो जाएगा, आप दिखाइए कि सत्ता में रहते हुए सरकार ने जो नाकामियां अर्जित की हैं उसका पर्दाफाश कीजिए, आप उसका पर्दाफाश कीजिए कि सत्ता में रहते हुए भाजपा ने क्या किया, ये पर्दाफाश ना करें कि देखिए अब जब पहले दंगे होते थे यूपी में, अब दंगे नहीं होते सर, सड़कें बेहतर हो रही है, कानून व्यवस्था सुधर रही है, ये पर्दाफाश भी होना चाहिए ना, फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे आपको ये बदलाव नजर नहीं आ रहा क्या, बेटियों का बलात्कार बंद हो गया, ये दावा करते हैं बीजेपी वाले, आपको नजर आता है नहीं आता, ये भ्रष्टाचार खत्म हो गया, 2 करोड़ नौकरियां मिल रही हैं, ये मुद्दे सवाल पूछिए जरा सा ना इन बातों पर आप, ठीक है आप मनोज जी जवाब दीजिए ना, मनोज जी जवाब दीजिए कि आप इस तरह देखिए जवाब दे दीजिए मनोज जी, मैं पूछ रहा हूँ सफीक 10 साल जेपी जी शफीकुर रहमान का बयान, बहन बेटियों को आवारा कहने वाले ये आज सिखाएंगे हमको शिक्षा दे रहे हैं, अरे अपने गृहबान में झांक के देखिए, ट्रिपल तलाक जैसे योजनाओं के अपनी बेटियों का बहनों के साथ किस दुष्कर्म करने वाले ये बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने इसको सिद्ध किया, हमारी बहन बेटियों को हमने 21 साल की सीमा में बांधा जिससे और इनके ट्रिपल तलाक जैसे इस निहत्ते बेहूदी प्रक्रिया से हमने उनको निजात दिलाने का काम किया, ये शफीकुर रहमान के लोग शफीकुर रहमान के जो अपनी बेटियों को वहां समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने क्या बयान दिया था, ये लोग बात करेंगे बहन बेटियों की, इनके मंत्री चलिए अनंताचार्य जी, अनंताचार्य जी आपको क्या लग रहा है ज्ञान बापी, आपको लग रहा है जो साक्ष्य मिले जो सर्वे रिपोर्ट आई है उससे लगता है कि हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होगा कोर्ट के अंदर, एकदम स्पष्ट है इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, और हम मुस्लिम भाइयों से भी यही कहेंगे कि स्वीकार करें आप सत्य को स्वीकार करें, इसी में भलाई है सबकी और सबकी जीवन शैली अच्छी है, वरना विवाद में रहेंगे हमेशा परेशान रहेंगे, दिक्कतों का सामना करेंगे, तरह तरह के कार्य होंगे, इसलिए अपने स्वीकार कीजिए कि हाँ हमारे पूर्वजों से गलती हो गया था, चलिए बड़ा दिल कौन दिखाता सर, बड़ा दिल तो नहीं दिखाया जाएगा, यह कोर्ट कचहरी का मामला, कोर्ट में ही चलते रहेंगे और इस तरह की बातें होती रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन ये सभी अपने अपने मेहमानों के अपने अपने निजी विचार है, जो हम चर्चा कर रहे थे कोई अपना पक्ष रख रहा कोई अपना पक्ष रख रहा, सबके निजी विचार है, तो इस खास डिबेट में बस इतना छोटा सा ब्रेक।